स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कपा देगी। इस कहानी में हम आपको अपने भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में भी बताएंगे और साथ हम आपको एक कहानी को भी सुनाएंगे जो एक सत्य घटना पर आधारित है। अब आप उस कहानी को सुनिए और बताएं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम पुराने वीडियो पर आए अपने दोस्तों का स्वागत करना चाहते हैं जिन्होंने अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में बताया था। तो उन दोस्तों के नाम कुछ इस प्रकार है। राधेश्याम यादव जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, अमन जो हमारी कहानी नेपाल से सुनते हैं, रूपम जो त्रिपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं और सिद्धार्थ जो हमारी कहानी इंदौर से सुनते हैं। अगर आपको आपका नाम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो में अपना नाम और शहर का नाम कमेंट कर दें। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। अपने ईयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए। आपने भूत प्रेत और तंत्र मंत्र विषयक हजारों किस्से कहानियां पढ़े सुने होंगे, मगर जो सच्ची घटना में इस वक्त बताने जा रहा हूं वह सबसे अलग है। तंत्र मंत्र और परामणो वैज्ञानिक विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान मेरा पसंदीदा विषय रहा है। ये एक रहस्यमयी और अद्भुत शक्ति संपन्न कापालिक की लोमहर्षक सच्ची कथा है। भारत में वैदिक, वैष्णव, शैव, शाक्त व स्मार्थ पंथ के साधुओं के अलावा अनेक उपपंथों की परंपरा और साधना सदियों से चली आ रही है। साधना के दो मार्ग बताए गए हैं, एक दक्षिण मार्ग और दूसरा वाम मार्ग। वाम मार्ग में तंत्र साधना, अघोर साधना, शव साधना, पिशाचिनी साधना, कापालिक साधना आदि का उल्लेख मिलता है। शिव के 10 अवतारों की तंत्र शास्त्र में साधना होती है जिनमें महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्ता, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग और कमल नामक अवतार हैं। इसके अलावा इनके 11 रुद्रावतार भी हैं। कापालिक साधनाओं में महाकाली, भैरव, चामुंडा, चांडाली, शिव, त्रिपुर सुंदरी जैसे देवी देवताओं की साधना होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार कापालिक शैव संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। ये मानव खोपड़ियों में खाते पीते हैं, इसीलिए इन्हें कापालिक कहा जाता है। कापालिक साधु नेपाल, तिब्बत और भारत के बंगाल, असम के पर्वतीय और अन्य स्थानों पर देखे जा सकते हैं। ये साधु कुंभ और सिंहस्थ के अलावा गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में भरने वाले 5 दिवसीय अंबुवाची मेले में आसानी से देखे जा सकते हैं। घटना आज से 25 वर्ष पहले की है। गुवाहाटी में मेरे एक बंगाली तांत्रिक मित्र ओंकारनाथ सान्याल, जो कि गृहस्थ हैं, ने फोन करके बताया कि अंबुवाची का मेला चल रहा है, अगर कुछ अद्भुत देखना हो तो फौरन चले आओ। मैंने दिल्ली से ब्रह्मपुत्र मेल का एक तत्काल टिकट बनवाया और एक बैग में अपना जरूरी सामान डालकर सुजानगढ़ से दिल्ली के लिए चल पड़ा। पुरानी दिल्ली से रात 12:45 ट्रेन चली और तीसरे दिन 2:03 गुवाहाटी पहुंच गई। स्टेशन पर सान्याल बाबू पहले से लेने के लिए आए हुए थे। मुझे देखकर उनकी आंखें खुशी से हीरे की तरह चमकने लगी और बोले, अब मेले के 2 ही दिन बचे हैं, आप सही समय पर आए हैं। स्टेशन से बाहर निकलकर हमने एक ऑटो पकड़ा और सान्याल बाबू के घर की ओर रवाना हो गए। सान्याल बाबू का घर पलटन बाजार में नेपाली मंदिर के पीछे एक गली में था। सान्याल बाबू अपने घर में अकेले ही रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कुछ वर्षों पूर्व हो गया था। उनका एक लड़का था जो अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहता था। घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, तब तक भोजन बन गया था। खाना खाने के बाद वो बोले कि सफर की थकान है, थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम को फैंसी बाजार की तरफ घूमने चलेंगे। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और बिस्तर के हवाले हो गया। जून का महीना था, हवा में उमस थी। सोकर उठा तो हवा में ठंडक महसूस हुई। खिड़की से बाहर झांका तो झमाझम बारिश होकर अभी रुकी ही थी। सान्याल बाबू ने कहा, चाय बाहर ही पी लेंगे, तुम कपड़े बदल लो। घर से बाहर हम पैदल ही टहलते हुए फैंसी बाजार की ओर चल पड़े। जेल रोड से होकर कमरपट्टी मस्जिद तक पहुंचे ही थे कि वहां एक बंगाली रेस्टोरेंट दिख गया। सान्याल बाबू बोले, यहीं चाय पीते हैं, इस इलाके में इसकी चाय फेमस है। मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया और अंदर घुसकर दरवाजे के नजदीक एक खाली टेबल पर बैठ गए। बैठते ही एक छोकरा आया,
सान्याल बाबू ने बंगला में कहा, द्विटोसा निये एसो एवं बिस्कुट, दो चाय और बिस्कुट लाओ। 5 मिनट के भीतर वो 2 कप चाय और बिस्कुट दे गया। मैंने बिस्कुट का एक टुकड़ा दांतों से कुतरा और चाय का एक घूंट पिया। ऐसी स्वादु और सुगंधित चाय मैंने पहले कभी नहीं पी थी। गर्म चाय की उठती सुगंधित भाप से वातावरण महक गया था। अचानक शीशे के उस पार मुझे एक मैले कुचैले गैरिक वस्त्रधारी जटाझूठ साधु दिखाई दिया। उसने अपनी रक्ताब आंखों से मुझे घूरा। मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ सोचता इससे पहले वह हमारी टेबल के पास खड़ा नजर आया, मुझसे मुखातिब हो वो बोला, खाना खिलाओगे? सान्याल बाबू ने टेबल के नीचे मेरे पैर पर पैर मारकर कुछ इशारा करना चाहा। मैं उनका इशारा समझता उससे पहले ही सम्मोहित सा होकर स्वीकृति में गर्दन हिलाई और हाथ से नजदीकी टेबल पर उसे बैठने का इशारा किया। बलिष्ठ काया का स्वामी साधु सांवले रंग का था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में किसी को भी सम्मोहित करने की शक्ति थी। मैंने सान्याल बाबू के चेहरे पर दृष्टि डाली तो उनकी आंखों में नागवारी के भाव नजर आए। साधु ने बैठते ही सबसे पहले 1 क्वार्टर शराब मंगवाई। उसने शराब खत्म की ही थी इतने में भोजन की थाली आ गई। जब तक वो खाना खाता रहा हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। मैं कनखियों से बीच बीच में उसे देखता रहा। खाना समाप्त कर बिना हाथ धोए वहां से वो निकलकर सामने गलियों में न जाने कहां गुम हो गया। खाने का बिल 220 रुपए का आया तो मुझे थोड़ी शर्म सी आई। पर्स खोलकर देखा तो पूरे 220 ही थे। मन को थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने बिल चुकाया और हम रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। दोपहर का खाना देरी से खाने के कारण रात का भोजन करने की बिल्कुल इच्छा न थी, सो टहलते हुए वापस घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर मैंने कपड़े बदले ही थे कि पैंट की जेब से पर्स निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। मैंने पर्स उठाकर यूं ही खोलकर देखा। हालांकि मैं जानता था कि पर्स में कुछ नहीं है, खाली है, परंतु उसके अंदर नोटों की झलक पाकर मेरा दिमाग कुंद हो गया। नोटों को खींचकर बाहर निकाला तो 100-100 के 2 नोट और 1 20 का नोट था। मेरे मुंह से बोल ना फूटा, स्तब्ध रह गया। ये रुपये तो मैंने रेस्टोरेंट वाले को दे दिए थे, मुझे अच्छी तरह याद था। पर्स एकदम खाली था। फिर ये नोट दोबारा कैसे आ गए? अचानक मेरे मस्तक पटल पर उस साधु का अक्ष उभरा। एक बारगी मेरे हवास गुम हो गए, काटो तो खून नहीं। मैंने चीख कर सान्याल बाबू को आवाज लगाई। सान्याल बाबू मेरी चीख सुनकर दौड़े आए। कमरे में मेरे हाथ में खुला पर्स और मुझे जड़वत देख बोल पड़े, क्या हुआ? मेरे मुंह से बोल न फूटा, बस पर्स उनकी ओर कर दिया। सान्याल बाबू ने पर्स में रुपये देखे तो एक पल के लिए उनको भी काट मार गया। तब तक मेरी चेतना लौट आई। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। सान्याल बाबू ने कहा, वो कोई साधारण सन्यासी नहीं था, अवश्य ही कोई पहुंचा हुआ औघड़ था। सुबह कामाख्या मंदिर जाने का कार्यक्रम हमने पहले ही बना लिया था। बातें करते करते हमें कब नींद ने आ घेरा पता ही नहीं चला। सुबह के 3:30 बजे थे। सान्याल बाबू ने मुंह अंधेरे ही मुझे उठा दिया और बोले, आप फ्रेश होकर स्नान आदि कर लें, तब तक मैं चाय बनाता हूं। मैंने तिपाई पर रखे लोटे से पानी पिया और फ्रेश होने चल दिया। स्नान आदि से निवृत्त होकर वापस आया तब तक चाय बन चुकी थी और खाने के लिए प्लेट में मठरियां रखी हुई थीं। चाय के साथ मैंने कुछ मठरियां खाई। चाय मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने 1 कप और भर लिया। चाय नाश्ता करने के दौरान हमारे बीच कोई वार्ता नहीं हुई। मेज पर आज का पूर्वांचल प्रहरी रखा था। मैंने सरसरी तौर पर मुआयना किया और वापस मेज पर रख दिया। सान्याल बाबू ने घर के एक छोटे कक्ष को पूजा घर का रूप दे रखा था, जहां वे अपनी साधना किया करते थे। उन्होंने मुझे पूजा घर में आने का इशारा किया और उनके पीछे पीछे मैंने वहां प्रवेश किया। ये कोई 8x10 का एक कमरा था। सामने शिवारूढ़ा महाकाली की एक मूर्ति और उसके बानी तरफ भैरव की सौम्य पाषाण मूर्ति स्थापित थी। सामने एक चौमुखा दीपक जल रहा था और उसके पास एक थाली में फल फूल नैवेद्य आदि सजाए हुए थे। महाकाली के पैरों के पास एक दक्षिणावर्ती शंख रखा हुआ था। सामने एक छोटा हवन कुंड बना हुआ था जिसमें धुएं की बारीक लकीरें आसपास के वातावरण को सुगंधित कर रही थीं। हम दोनों सामने बिछे कुशा के आसन पर बैठ गए। सान्याल बाबू ने पूजा आरंभ की। देवी और भैरव का श्रृंगार करने के लिए मंत्र पाठ किया। फिर मुझसे मुखातिब हो बोले, देवी
कवच का पाठ किए बगैर मैं बाहर नहीं जाता। उनके इतना कहने के बाद हम दोनों ने समवेत स्वर में ओम नमः चंडिकाये, ओम यहां परमम लोके सर्व रक्षाकरम नरणाम, यन्नकस्य चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह पाम पूर्ण किया और मां भगवती को साष्टांग प्रणाम किया। मैंने कहा, मैं भी मेरे इष्ट भैरव बाबा के कवच का पाठ कर लेता हूं ताकि किसी अनहोनी से रक्षा हो सके। सान्याल बाबू ने हामी भरी। मैंने सस्वर पाठ आरंभ किया, ओम सहस्त्रारे महाचक्रे कर्पूर धवले गुरु पातु माम बटुको देवो भैरव सर्वकर्मसु आस्पूर्वस्याम सितांगो मां दिशि रक्षतु सर्वदा संहार भैरव पायादिशान्या च महेश्वर आमा। पाठ पूरा होने के बाद फल फूल नैवेद्य आदि का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया और मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए घर से चल पड़े। घर से बाहर निकले तब तक 6 बज चुके थे। जून का महीना था, आसमान में स्याह बादल छा गए थे, लगता था बारिश होने वाली है। हमने वहां से एक ऑटो पकड़ा और चल दिए। एटी रोड से होते हुए 8 गांव के ब्रिज तक पहुंचे ही थे कि बारिश आरंभ हो गई। अभी गर्मी के मौसम में ठंडी फुहारों का आनंद ले ही रहे थे कि कांति बेदी मार्केट तक आते आते बारिश रुक गई। मैंने चैन की सांस ली। मैं ऑटो से बाहर गुवाहाटी शहर के नजारों में खोया था कि ऑटो रुक गया। देखा तो फुटब्रिज पार कर ऑटो कामाख्या मंदिर के गेट के परली तरफ रुका हुआ था। ऑटो वाले को पैसे देकर मैंने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 6:30 बजे थे। आसमान कुछ कुछ साफ हो गया था। मेरी चाय पीने की तलब हो आई। मैं कुछ कहता इससे पहले ही सान्याल बाबू ने मेरे मनोभावों को भांप कर कहा, चलो चाय पी लेते हैं। पास ही एक खपरेल की एक थड़ीनुमा चाय की दुकान थी। वहां रखे मुड्ढों पर पाषाण मूर्ति स्थापित थी। सामने एक चौमुखा दीपक जल रहा था और उसके पास एक थाली में फल फूल नैवेद्य आदि सजाए हुए थे। महाकाली के पैरों के पास एक दक्षिणावर्ती शंख रखा हुआ था। सामने एक छोटा हवन कुंड बना हुआ था जिसमें धुएं की बारीक लकीरें आसपास के वातावरण को सुगंधित कर रही थीं। हम दोनों सामने बिछे कुशा के आसन पर बैठ गए। सान्याल बाबू ने पूजा आरंभ की, देवी और भैरव का श्रृंगार करने के लिए मंत्र पाठ किया, फिर मुझसे मुखातिब हो बोले, देवी कवच का पाठ किए बगैर मैं बाहर नहीं जाता। उनके इतना कहने के बाद हम दोनों ने समवेत स्वर में ओम नमः चंडिकाये, ओम यहां परमम लोके सर्व रक्षाकरम नरणाम, यन्नकस्य चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह पाम पूर्ण किया और मां भगवती को साष्टांग प्रणाम किया। मैंने कहा, मैं भी मेरे इष्ट भैरव बाबा के कवच का पाठ कर लेता हूं ताकि किसी अनहोनी से रक्षा हो सके। सान्याल बाबू ने हामी भरी। मैंने सस्वर पाठ आरंभ किया, ओम सहस्त्रारे महाचक्रे कर्पूर धवले गुरु पातु माम बटुको देवो भैरव सर्वकर्मसु आस्पूर्वस्याम सितांगो मां दिशि रक्षतु सर्वदा संहार भैरव पायादिशान्या च महेश्वर आमा। पाठ पूरा होने के बाद फल फूल नैवेद्य आदि का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया और मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए घर से चल पड़े। घर से बाहर निकले तब तक 6 बज चुके थे। जून का महीना था, आसमान में स्याह बादल छा गए थे, लगता था बारिश होने वाली है। हमने वहां से एक ऑटो पकड़ा और चल दिए। एटी रोड से होते हुए 8 गांव के ब्रिज तक पहुंचे ही थे कि बारिश आरंभ हो गई। अभी गर्मी के मौसम में ठंडी फुहारों का आनंद ले ही रहे थे कि कांति बेदी मार्केट तक आते आते बारिश रुक गई। मैंने चैन की सांस ली। मैं ऑटो से बाहर गुवाहाटी शहर के नजारों में खोया था कि ऑटो रुक गया। देखा तो फुटब्रिज पार कर ऑटो कामाख्या मंदिर के गेट के परली तरफ रुका हुआ था। ऑटो वाले को पैसे देकर मैंने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 6:30 बजे थे। आसमान कुछ कुछ साफ हो गया था। मेरी चाय पीने की तलब हो आई। मैं कुछ कहता इससे पहले ही सान्याल बाबू ने मेरे मनोभावों को भांप कर कहा, चलो चाय पी लेते हैं। पास ही एक खपरेल की एक थड़ीनुमा चाय की दुकान थी। वहां रखे मुड्ढों पर हम बैठ गए। दुकान पर एक 12-13 वर्ष की छोटी आंखों वाली गौर वर्ण की लड़की नीची गर्दन किए खड़ी थी। सान्याल बाबू ने उसे 2 चाय का बोला। लड़की ने एक बार गर्दन ऊपर की ओर फिर चाय बनाने में मशगूल हो गई। चारों तरफ लोग आते जाते दिख रहे थे। हमने चाय पी और मंदिर के रास्ते पर पैदल आगे बढ़ गए। एक दूसरे से बिछड़ न जाएं इसलिए हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते के दाईं तरफ चट्टानों में पत्थरों की एक चौकी पर एक अघोरी बैठा दिखाई दिया।
उसके गले में रुद्राक्ष, स्फटिक और मानव हड्डियों की एक मालाएं लटक रही थीं। पद्मासन में बैठे उस गैरिकधारी ने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी। जटाजूट सिर पर भी रुद्राक्ष की माला और ललाट पर सिंदूर का बड़ा गोल टीका लगा रखा था। मैंने आदर के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया ही था कि मेरे कानों में उसकी भारी आवाज गूंजी, तुम आ गए अनिल कुमार, मैं वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे बिना बताए नाम पुकारने पर मैं एक बारगी हक्का बक्का रह गया। गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। ये तो वही कल वाला अघोरी है। उसकी लाल गूलर के फूल जैसी बड़ी बड़ी आंखें मुझे सम्मोहित कर रही थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि सान्याल बाबू ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया। सान्याल बाबू के धक्का देते ही मैं पीछे की ओर गिरा। मेरे गिरने से पहले ही दो मजबूत बाजुओं ने मुझे थाम लिया। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो वो असमी युवक जैसा लगा। मैंने उसको धन्यवाद दिया और उसका हाथ थाम लिया, मानो वो मेरा अजीज दोस्त हो। तभी पीछे से एक भीड़ का रैला आया। मैंने सान्याल बाबू की तलाश में चारों ओर देखा, पर मुझे वो कहीं नजर ना आए। मैंने दो तीन बार जोर जोर से गला फाड़कर सान्याल बाबू की आवाज लगाई, परंतु मेरी आवाज भीड़ के शोर में दबकर रह गई। सान्याल बाबू वहां कहीं नहीं थे। मैंने सामने चट्टानों पर बनी चौकी पर बैठे अघोरी की तलाश में नजरें घुमाई तो मेरा शरीर जड़ हो गया। वहां अघोरी तो क्या चौकी तक का नामो निशान न था। मेरे शरीर से जैसे किसी ने पूरा खून निचोड़ लिया हो, जिस्म एकदम बेजान सा हो गया। जिस युवक ने मुझे थाम रखा था, मेरा जर्द चेहरा और बेजान शरीर देख पुनः सहारा दिया और पीछे एक पत्थर पर बिठा दिया। उसने मुझे झिंझोड़ा तो मेरी तंद्रा भंग हुई और चेतना वापस लौटी। अब पहली बार मैंने ध्यान से उस युवक को देखा तो मुझे वह भले घर का लगा। उसने मुझे अपने हाथ में पकड़ी बोतल से पानी पिलाया और पूछा, भाई साहब अब कैसे हैं? अचानक क्या हो गया आपको? आप जोर जोर से किसे पुकार रहे थे? एक साथ इतने सवाल सुन में किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। मुझसे कुछ भी न बोला गया। थोड़ा रुककर मैंने उसे आज की पूरी बात बताई और कहा कि मैं राजस्थान से मां कामाख्या के दर्शन करने आया हूं। साथ में मेरे एक बंगाली मित्र थे जो नजर नहीं आ रहे, भीड़ में न जाने कहां खो गए। उस युवक ने जवाब दिया, आप चिंता न करें, मिल जाएंगे। अब मैंने उस युवक से परिचय पूछा तो वो बोला, मेरा नाम खोगेन नजरी है, मैं कोकराझाड़ का रहने वाला हूं। पिछले 4 साल से जी एस रोड पर होटल नंदन के पीछे फर्नीचर बनाने का कारखाना है। घर पर ही फर्नीचर तैयार कर शोरूम्स में सप्लाई करता हूं। मेरे गांव के ही 4 लड़के और हैं जो मेरे साथ रहते हैं और काम करते हैं। मुझे उसकी साफगोई पसंद आई। मैंने भी अपना पूरा परिचय उसे दिया। इस छोटी सी मुलाकात ने हम दोनों को मित्र बना दिया। अब हम खुलकर बातें करने लगे। मैंने खोगेन से कहा कि मेले के कारण इतनी भीड़ है, क्या मां के दर्शन हो पाएंगे? उसके होठों पर एक स्मित मुस्कान उभरी और बोला, मंदिर की कमेटी में मेरा एक दोस्त है, दर्शन आसानी से हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा मानो मेरे सीने से मनोबोझ उतर गया हो। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। मंदिर के पूरे परिसर में दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था। कामाख्या मंदिर न केवल असम में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बल्कि देश में एक अनूठा मंदिर भी है। तंत्र साधना के लिए यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। इस मंदिर में साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहां पर काला जादू भी किया जाता है। अगर किसी पर काला जादू किया गया है तो वह यहां आकर इस समस्या से निजात भी पा सकता है। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थयात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहां के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। दंत कथा है कि कामदेव ने विश्वकर्मा की सहायता से इस मंदिर का निर्माण कराया। इसमें भैरव एवं 64 योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित की। निर्माण पूरा होते ही कामदेव को अपना पुराना रूप वापस मिल गया। इसी कारण इस संपूर्ण स्थल का नाम कामरूप, अर्थात कामदेव ने जहां अपना रूप पुनः प्राप्त किया पड़ा। कामदेव द्वारा निर्मित मंदिर समय की धूल में दब गया। बाद में इसका पुनर्निर्माण
अहोम राजाओं द्वारा कराया गया। यह उल्लेख ताम्रपत्रों पर आज भी मिलता है। इस संदर्भ में अहोम राजा रुद्र सिंह, जिन्होंने शिमला से कृष्णानंद नामक ब्राह्मण को न केवल पूजा अर्चना वरन इस हेतु भी यहां लाकर बसाया कि वे शैव मत में दीक्षित कर सकें, का नाम महत्वपूर्ण है। 1681 शक संवत में महान अहोम राजा राजेश्वर सिंह द्वारा इस स्थल के पुनर्निर्माण का उल्लेख नट मंदिर पर उकेरा गया है। मंदिर की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व एक ट्रस्ट पर है। होगेन के मंदिर कमेटी के मित्र ने बताया कि अंबू चाची उत्सव के समय इस स्थल पर जैसे श्रद्धालुओं का तांता सा ही लग जाता है। यूं प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पर्यटक इस स्थल पर आते हैं, लेकिन अंबुयाची उत्सव के बाद यह संख्या 20 गुना तक बढ़ जाती है। हमने बड़ी आसानी से मंदिर में नीचे गुफा तक जाकर दर्शन कर लिए और फिर ऊपर आ गए। मंदिर के दाईं ओर घूम कर गए तो पिछली ओर पशुओं की बलि दी जा रही थी, मुझसे देखा नहीं गया। आगे बढ़ने पर बाईं ओर काफी ऊंचाई तक सीढ़ियां बनी हुई थी, जहां पर साधु, तांत्रिक, अघोरी, योगी व अनेक लोग बैठे थे। मैं घूमकर सामने की ओर आया और एक जगह साथ लाए आसान को बिछाकर बैठ गया। मैंने सर्वप्रथम मां कामाख्या को प्रणाम किया और मेरे होठों से अस्फुट स्वरों से शब्द फूटने लगे। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। प्रणाम मंत्र का जप करने के बाद मैंने देवी के इस बीज मंत्र की 3 मालाएं फेरी। मंत्र था क्लीन क्लीन कामाख्या क्लीन क्लीन नमः, तत्पश्चात एक और त्रीं श्रीं ह्रीं हूं हूं स्त्रीं स्त्री कामाख्ये प्रसीद स्त्रीं स्त्रीं हूं हूं त्रीं श्रीं श्रीं स्वाहा। मंत्र का जप किया और मां को पुनः प्रणाम कर उठ खड़ा हुआ। उठने पर खोगेन मुझे कहीं नहीं दिखा। आसपास चारों तरफ निगाहों से ढूंढने की कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। फिर सोचा भीड़ में पता नहीं चलता है, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। उसका पता मेरे पास था ही। मैं अकेले ही जहां साधु अघोरी बैठे थे उन सीढ़ियों से चढ़कर एकदम ऊपर पहुंच गया, ताकि ऊंचाई से मंदिर और आसपास का पूरा मंजर देख सकूं। ऊपर से मंदिर के सभी डोम, लोगों की भीड़ और आसपास का नजारा बहुत दिलकश था। मैं एक बारगी उस भक्तिमय माहौल में खो सा गया। मैंने सोचा थोड़ा और ऊपर जाकर बेहतरीन दृश्य देखा जा सकता है। मैं सीढ़ियां चढ़ता गया और खत्म होने के बाद भी चट्टानों पर चढ़ता गया। एक जगह मुझे ऊंची टीकरी सी दिखी। मैंने मन ही मन सोचा कि वहां से न केवल मंदिर परिसर का बल्कि गुवाहाटी शहर का शानदार नजारा देखा जा सकता है। कुछ ही मिनटों में मैंने खुद को वहां पाया और चारों ओर देखने लगा। उस स्थान पर मेरे सिवा कोई नहीं था। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। मैं पीछे मुड़कर देख पाता इससे पहले ही एक बलिष्ठ हाथ ने मेरी कलाई को जकड़ लिया। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वही 6 फुटा पुष्ट शरीर वाला अघोरी खड़ा था। मैंने कलाई छुड़ाने की असफल कोशिश की, परंतु उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लगा हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। मेरी कलाई किसी शिकंजे में जकड़ी हुई लग रही थी। अघोरी ने क्रोधित लाल आंखों से मुझे घूरा और बोला, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, चलो मेरे साथ। उसके शब्द भाले की तरह मुझे चुभ रहे थे, मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैंने घड़ी में समय देखा, दिन के 12 बज रहे थे। अघोरी मुझे घसीटते हुए मंदिर के पीछे की ओर पहाड़ी की एक पगडंडी की ढलान से नीचे की ओर ले जाने लगा। मैं सम्मोहित सा उस अघोरी कापालिक के साथ घिसटता हुआ पहाड़ी की ढलान से मंदिर की उत्तरी दिशा में नीचे की ओर चला जा रहा था। कापालिक ने एक क्षण के लिए भी अपनी पकड़ ढीली न होने दी। कुछ ही समय में हम पहाड़ी की तलहटी में थे। मेरे कानों में ब्रह्मपुत्र नदी के बहने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पहाड़ की तलहटी में चारों तरफ जंगल ही जंगल था, जिसमें ओक, आम, सागौन, जाय वृक्ष, बांस के झुरमुट, बेंत के घने पेड़ों और झाड़ियों की भरमार थी। कापालिक अचानक एक स्थान पर ठहर गया। मैंने देखा जंगल का वो हिस्सा पेड़ों और झाड़ियों को काटकर साफ किया हुआ था। मेरे दाईं तरफ 20 फुट आगे एक जीर्ण शीर्ण प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा था, जो एक विशाल चबूतरे पर बना था। मेरे सामने एक घास फूस की कुटिया बनी हुई थी। वातावरण में एक नीरवता छाई हुई थी, जिसे कोई जंगली पक्षी अपनी कर्कश आवाज से भंग कर रहा था। कापालिक ने कुटिया की ओर देखकर जोर से आवाज दी, भैरवी मैं आ गया हूं।
उसके इतना कहते ही एक युवती बाहर निकली। उसके हाथ में रस्सी का एक गुच्छा था। युवती ने लाल रंग की सुनहरे बॉर्डर की एक रेशमी साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल जूड़े की शक्ल में कसकर पीछे की ओर बांधे हुए थे। ललाट पर सिंदूर का बड़ा गोल टीका और कलाइयों में उसने शंख के वलय पहन रखे थे। कापालिक ने भैरवी की तरफ आंखों से कोई इशारा किया और मुझे वहीं छोड़कर मंदिर की ओर चल पड़ा। भैरवी ने कापालिक का इशारा पाकर मेरे दोनों हाथ पीछे मोड़कर कसकर रस्सी से बांध दिए और पैरों को भी बांधकर पास ही एक बड़े पेड़ से मुझे बांध दिया। मैं हिलने डुलने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहा था। लगता था शरीर में जैसे जान ही न हो। तभी मंदिर से मुझे एक भीमकाय काला भुजंग व्यक्ति आता दिखाई दिया। इसका सिर सफाचट और कोहड़े की तरह लग रहा था। हाथ में एक मिट्टी का पात्र ले रखा था। उसने मेरे पास खड़ी भैरवी के हाथ में वो पात्र दिया और बिना कुछ बोले वापस मुड़कर मंदिर की ओर चल दिया। मेरा गला मारे प्यास का सूख रहा था। मैंने उस युवती जिसे कापालिक भैरवी कहकर पुकार रहा था कहा, थोड़ा पानी पिला दो, मेरी जान निकल रही है। भैरवी ने अपने हाथ में पकड़ा पात्र मेरे मुंह में लगा दिया। पता नहीं कौन सा पेय था कि दो चार घूंट लेते ही पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। लगा जैसे पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो। पूरा बदन झनझनाने लगा। थोड़ी देर में कुछ चेतना लौटी तो देखा वो युवती मेरे पास ही खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? इस अघोरी के चंगुल में कैसे फंस गई? ये अघोरी कौन है और अभी जो काला आदमी आया वो कौन है? मेरे एक साथ इतने सवाल सुन उस युवती के चेहरे पर विवशता, भय और करुणा के भाव एक साथ परिलक्षित हुए। उसने कहा, मेरा नाम कालिंदी है, मैं आसनसोल की रहने वाली हूं। तुम्हें जो यहां लेकर आया था वो कापालिक अवधूतानंद है। इसका एक सहायक है जो अब भी आया था, उसका नाम सिद्धेश्वर है। मेरे पिता को इस नीच अवधूतानंद ने वश में कर लिया और अपनी काली सिद्धियों के लिए भैरवी बनाने हेतु मुझे मांग लिया। भैरवी के लिए इसे एक अक्षत कन्या की जरूरत थी। मेरे पिता को इसने लालच दिया कि भैरवी बनने के बाद तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरे पिता इसके प्रभाव में थे और ये कापालिक 3 वर्ष पूर्व मुझे यहां ले आया। तब से मैं यहां हूं। ये कापालिक बहुत क्रोधी और निर्दयी है। इतना कहने के बाद वह कुछ क्षण के लिए रुकी तो मैंने पूछा, मुझे क्यों पकड़ा है इस कापालिक ने? तो कालिंदी पुनः बोली, ये त्रिकाल सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। किसी का भी भूतकाल बताने की सिद्धि ये नर पिशाच प्राप्त कर चुका है। आज अमावस्या की निशा है, आज तुम्हारी बलि देकर भविष्य बताने की सिद्धि प्राप्त कर त्रिकालज्ञ बन जाएगा। बलि की बात सुनते ही मेरे रहे सहे हवास भी गुम हो गए। मुझे अपना कटा हुआ सिर और एक तरफ खून से लटपट घड़ नजर आने लगा। मेरी टांगे एकदम बेजान हो गई। जूड़ी के मरीज की तरह मैं थर थर कांपने लगा। थोड़ी देर बाद चेतना लौटी, मस्तिष्क बचने के दांव सोचने लगा। मैंने एक दांव उस भैरवी की ओर फेंका और बोला, कालिंदी तुम 5 खोल दो, हम यहां से भाग चलते हैं। तुम्हें सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, जहां तुम कहोगी वहां छोड़ दूंगा। चाहो तो मेरे साथ भी चल सकती हो। मेरे हाथ, नहीं मैं नहीं खोल सकती। तुम्हें खोलते ही अपनी तांत्रिक और काली शक्तियों से वह अघोरी सब कुछ जान जाएगा और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेगा। कहते हुए कालिंदी का शरीर मारे भय के कांपने लगा। उसके चेहरे पर मौत की छाया स्पष्ट नजर आ रही थी। मेरा ये दांव खाली जाता देख मैंने एक और पाशा फेंका, पर कामयाबी हाथ न लगी। मेरे तरकश में जितने तीर थे सब एक एक कर आजमा लिए। वह मानने वाली न थी, न मानी। उस पर अवधूतानंद का इतना खौफ था कि उसकी मर्जी के खिलाफ जा ही नहीं सकती थी। मुझे वह उस कापालिक से बहुत ज्यादा भयाक्रांत लगी। मैं एकदम निराश हो गया। मौत की परछाई मेरे चेहरे पर साफ नुमाया हो रही थी। चारों ओर निबिड़ अंधकार का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। मैंने हाथ खोलने की एक और कोशिश की, पर एक तो रस्सी बहुत मजबूत थी, दूसरे मुझे बहुत कसकर बांधा गया था। तभी मुझे मंदिर की ओर से एक परछाई मेरी ओर आती दिखी। पास आने पर देखा वो सिद्धेश्वर था। उसने भैरवी की ओर कोई इशारा किया। उसका इशारा समझकर भैरवी ने मेरे हाथ पांव रस्सियों से मुक्त कर दिए। मैंने कलाइयों को हथेली से मसला और देखा कि कसकर बंधी होने के कारण वहां गड्ढे से पड़ गए थे। रक्त संचार दुरुस्त हुआ तो हाथों में कुछ जान आई। मैं और कुछ सोचता इससे पूर्व ही सिद्धेश्वर ने मेरी कलाई थाम ली और भैरवी से तैयार होकर मंदिर में आने को कहा।
मुझे घसीटता हुआ मंदिर की ओर ले जाने लगा। मौत सामने देख मेरी रुलाई फूट पड़ी। मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरे अर्थतनाद का उस कसाई पर क्या असर होना था? मुझे मेरे माता पिता, बहन भाई, परिवार के लोग, मेरा घर, गांव, सब एक चलचित्र की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगे। भावना के अतिरेक के कारण मेरा गला रुंध गया। कसाई जिस प्रकार बकरे को घसीट कर जिबह करने के लिए ले जाता है, ठीक उसी प्रकार वो मुझे घसीट रहा था, मानो मैं बकरा हूं। बात भी सच थी। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैं उस टीकरी पर चढ़ा था कि जान सांसत में आ गई थी। आखिर वो नराधम मुझे मंदिर में ले आया। मंदिर की चार सीढ़ियां चढ़ते ही दाईं तरफ एक तांबे का घड़ा रखा हुआ था। मुझे उसने वहां बिठाया और घड़े का ठंडा पानी मेरे सिर पर डाल नहला दिया। मैंने आकाश की ओर ऊपर देखा तो स्याह बादलों के कारण उस काली रात में तारे तक दिखाई नहीं पड़ रहे थे। चारों ओर मरघट की सी शांति थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे मेरे कपड़े कुछ ही पल में सूख गए। अब उसने मेरा हाथ पुनः पकड़ा और मंदिर के गर्भगृह की ओर मुझे ले जाने लगा। मंदिर में चारों तरफ अनेक दीपक जल रहे थे। मैंने सामने देखा, शिवारूढ़ा काले पत्थर की आदमकदमहा काली की बड़ी भयंकर मूर्ति पंचमुंडी चौकी पर आसीन थी। सामने एक बड़ा पंचमुखी दीपक जल रहा था। देवी के गले में असली नरमुंडों की माला पहनाई हुई थी। बाईं दीवार पर एक खूंटी से विशाल खड्ग लटक रहा था। खड्ग पर जमे खून के धब्बे काले से पड़ गए थे। मूर्ति के ठीक सामने एक हवन कुंड बना हुआ था, जिसमें शोले दहक रहे थे। हवन कुंड के इस तरफ और मूर्ति के सामने आसन पर भैरवी पद्मासन लगाए ध्यानस्थ बैठी थी, आंखें बंद किए। पूर्ण नग्नावस्था में उसके लंबे काले घने खुले बालों ने चारों तरफ फैलकर एक आवरण सा बना लिया था। भैरवी के लल्लाट पर सिंदूर का बड़ा गोल टीका लगा हुआ था। उसके बगल में एक आसन पर वो दुष्ट कापालिक अवधूतानंद बैठा था। पास ही पूजा सामग्री से भरी एक थाली रखी थी। थाली के पास एक काला मुर्गा, जिसकी टांगे बंधी थी, रखा हुआ था। पास ही एक छुरा रखा था। महाकाली के मूर्ति के सामने तीन खप्पर रखे हुए थे, जिन पर सिंदूर पोता हुआ था। सभी में शराब भरी हुई थी। कापालिक अवधूतानंद मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में सामग्री डालता मांस का हचन कर रहा था। मांस जलने की दुर्गंध चारों ओर फैली हुई थी। उस दुर्गंध के कारण किसी को भी उबकाई आनी स्वाभाविक थी, पर मौत के भय ने मेरी इंद्रियों को निष्क्रिय कर दिया था। मुझे लगा आज अर्धरात्रि में मेरी बलि निश्चित है। मैं समझने लगा कि अब कुछ ही समय का मेहमान हूं। सिद्धेश्वर ने वो विशाल खड्ग खूंटी से उतारकर भैरवी के बगल में रख दिया। इतना विशाल खड्ग देख मुझे झुरझुरी सी आ गई। सिद्धेश्वर का झूमता शरीर ये चुगली कर रहा था कि उसने भरपूर शराब पी रखी है। अवधूतानंद के तांत्रिक क्रियाकलाप जारी थे। उसने मूर्ति के सामने रखा एक खप्पर उठाया और उसकी पूरी शराब भैरवी को पिला दी। दूसरा खप्पर उठाया और उसकी शराब गटगट करके स्वयं पी गया। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। बड़े विचित्र, भयानक और विभत्स तरीके से वह मंत्रोच्चार कर आहुति देने लगा। अचानक उसने वो काला मुर्गा एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन मरोड़कर धड़ से अलग कर दी। मुर्गे का धड़ खून से लठपट छटपटा रहा था। उसके खून से जमीन लाल हो गई। मैं सोचने लगा, कुछ देर बाद मेरा भी यही हाल होने वाला है। मुझे कल्पना में अपना खून से सना कटा सिर और धड़ अलग अलग दिखाई देने लगे। भयानक मौत साक्षात नजर आने लगी थी मुझे। कापालिक अवधूतानंद की लाल आंखों को देखकर मुझे कंप कंपी छूट गई। उसने मेरे बाल पकड़कर मुर्गे के रक्त का एक लंबा टीका मेरे ललाट पर लगाया और एक खप्पर में भरी शराब मेरे होठों से लगा दी। मेरे पूरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। पूजा का शायद अंतिम दौर चल रहा था। मुझे लगा अब मेरी बलि दी जाने वाली है। कुछ मंत्रोच्चार करते हुए मांस का एक टुकड़ा उसने हवन कुंड में डाला और एक जवा कुसुम की माला मेरे गले में डाल दी। मेरा जीवन अब कुछ ही पलों का था। मैंने मन ही मन मां भगवती को याद किया और कातर स्वर में बोला, रक्षा करो मां, रक्षा करो। मेरे बिना मेरे माता पिता और परिवार का क्या हाल होगा? मेरी मां तो रो रो कर अपनी जान दे देगी। हे भुवनेश्वरी, मुझे इन दुष्टों पापियों से बचाओ। मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। कापालिक ने सिद्धेश्वर को एक इशारा किया। सिद्धेश्वर ने मेरे हाथ पैर रस्सी से बांधे और देवी की मूर्ति के आगे पेट के बल मुझे लिटा दिया। मेरा सिर देवी के चरणों में था।
मैं आर्तनाद कर उठा और विगलित हो अपने आंसुओं से जगन मोहिनी के चरण पखारने लगा। हिलक हिलक कर रोते हुए मैं बोला, कोई माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? क्या कोई माँ अपने पुत्र की बलि चाहती है? तू तो जगन माता है, अपने प्रेम और वात्सल्य रस से समूचे जगत को प्लावित करती है। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। मुझे लगा माँ भुवन मोहिनी मूक भाषा में कह रही है, क्यों चिंता करता है पगले, घबरा मत, नियति को जो मंजूर है वही होगा। उसी समय कापालिक ने उस मुर्गे का धड़ हवन कुंड में डाला। जलते हुए मांस की दुर्गंध चारों ओर फैल गई। फिर उसने एक मानव हड्डी उठाई, मंत्र बुदबुदाते हुए अपने सामने रखे नर कपाल के ऊपर घुमाई और दूसरा हाथ खप्पर में डालकर अपने कर संपुट में अभिमंत्रित द्रव्य लिया और उसे भैरवी के मुंह पर छिड़क दिया। अभिमंत्रित द्रव्य के छींटे लगने से भैरवी झूमने लगी, उसका पूरा बदन कांपने लगा। झूमते हुए उसके होठों से कुछ शब्द प्रस्फुटित होने लगे जो अस्पष्ट थे। भैरवी गर्दन झटक झटक कर बाल बिखेर रही थी। उसकी मुख मुद्रा बहुत डरावनी लग रही थी और वह विचित्र भाव भंगिमाएं प्रदर्शित कर रही थी। उसके लरसते होंठ मानो कुछ कहना चाहते हों। कापालिक को लगा जैसे महामाया ने भैरवी के शरीर में प्रवेश कर लिया हो और उससे कुछ कहना चाहती हो। कापालिक अवधूतानंद ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और बोला, मां क्या आज्ञा है मेरे लिए? नाराधम, पूछता क्या है? तू त्रिकाल सिद्ध चाहता है जो किसी विरले को ही प्राप्त होती है। क्या तूने बलिपात्र से पूछा कि वो स्वेच्छा से अपना उत्सर्ग कर रहा है या नहीं? नहीं मां, इसे विवश किया गया है, कापालिक विनय भरे स्वर में बोला। तो जा, पहले उसे संतुष्ट कर, उसका विरोध दूर कर। मां मुझे सिद्धि तो मिलेगी ना, कापालिक याचना भरे स्वर में बोला। उत्तर में भैरवी के कंठ से एक जोर का अट्टहास निकला। कापालिक एक बार तो भय से सहम गया। भैरवी झूमती हुई कठोर स्वर में बोली, अभी तूने इस सिद्धि के दो सोपान पार किए हैं, तीसरा पार करना अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। अगले वर्ष इसी अमावस्या को अपनी स्वेच्छा से एक बलि पशु आएगा, उसकी बलि देना और इस भैरवी को मुक्त कर देना, नहीं तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इतना कहने के बाद भैरवी मौन हो गई और उसका झूमना शनय शनय बंद हो गया। मैं ये सारी बातें सुन रहा था। तभी कापालिक उठा और पास रखा खड्ग उठाकर भैरवी को देते हुए बोला, भैरवी ये खड्ग लो और बलिपात्र का मस्तक विच्छिन्न कर दो। खड्ग की मूठ हाथ में पकड़कर भैरवी आसन से खड़ी हो गई। सर्वांग नग्न थी वह उस समय, घने बाल चारों तरफ बिखरे हुए, मस्तक पर बड़ा सिंदूर का टीका और मुर्गे के खून के छींटे चेहरे पर उसका रौद्र रूप दर्शा रहे थे। आंखें लाल थीं और मुख मुद्रा ऐसी लग रही थी मानो महाकाली साक्षात खड़ी हो। बड़ी भयानक लग रही थी भैरवी। उस समय अचानक भैरवी का अट्टहास उस मंदिर के रहस्यमयी प्रांगण में गूंज उठा और चौकापालिक से बोली, गुरुदेव आप पहले जगन माता को प्रणाम तो कर लें। कापालिक तुरंत भैरवी की आज्ञा का पालन करते हुए साष्टांग की मुद्रा में देवी के आगे नतमस्तक हो गया। इस लालसा में वशीभूत कि त्रिकाल ध्यान की प्राप्ति अब होने ही वाली है, वह भला क्या जानता था कि एक ही क्षण में कौन सा अनिष्ट घटित होने वाला है। अगर जानता होता तो भैरवी का कहा थोड़ी करता, जो होना था वही किया। भगवती जगत तारिणी ने पलक झपकते ही खड्ड को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठाकर एक भरपूर बार किया। सिर धड़ से अलग होकर एक तरफ लुढ़क गया कापालिक अवधूतानंद का। चारों ओर खून ही खून बिखर गया। खून से लठपठ कापालिक का धड़ छटपटाने के बाद शांत हो गया। सिद्धेश्वर कुछ समझे, उससे पहले ही उसका सिर भी धड़ से अलग होकर लुढ़कता हुआ दूर जाकर रुका और उसका धड़ किसी कटे भैंसे की तरह छटपटाकर नीचे गिरा। भैरवी ने मुझे बंधन मुक्त किया। मैं आश्चर्य से उठ खड़ा हुआ। भैरवी ने मेरे चेहरे पर आश्चर्य, भय, संशय और कौतूहल के मिले जुले भाव देखे। मैंने भैरवी की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी और आंखों में करुणा, दया और वात्सल्य का सागर लहरा रहा था। मुझे वो साक्षात महामाया नजर आ रही थी। भावातिरेक के कारण मैं सिसक सिसक कर रोने लगा तो मुझे रोता देख उसने मुझे गले लगा लिया। मानो मां भगवती मूक भाषा में कह रही हैं, पगले रोता क्यों है? साधना के पथ पर इसी प्रकार चलता जा। जो बाधाएं कष्ट आए उनकी परवाह मत कर, मैं जो तेरे पीछे है। स्वयं को अनाथ और एकाकी मत समझना। तभी जोर से बिजली कड़की और तूफानी हवा का एक प्रचंड झोंका मंदिर में आया।
हवा के इस तेज झोंके से मां काली के आगे रखा पंचमुखी दीपक और अन्य सभी दीपक बुझ गए। निविड़ अंधकार छा गया एक झटके से और मैं चेतना हो शून्य हो गया। और जब चेतना लौटी और आंखें खोली तो जंगल में अपने आप को अकेला पड़ा पाया। सवेरा होने वाला था। चारों तरफ देखा तो वहां न तो कोई मंदिर था, न कापालिक, न सिद्धेश्वर, न ही भैरवी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लंबा सपना देख के जागा हो। कुछ देर गुमसुम सा बैठा रहा। मैंने आंखें मसल कर दोबारा चारों ओर देखा। पेड़ पौधों के अलावा रात की घटना के कोई निशान मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। तो क्या कल रात की घटना एक स्वप्न था? अगर स्वज था तो मैं इस बियावान में कैसे पहुंचा? मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। यथार्थ या स्वप्न के विचारों के झंझावात में उलझा रहा मेरा मस्तिष्क। किसी तरह इन विचारों को झटका और वहां से बाहर निकलने की जुगत सोचने लगा। मैंने मन और मस्तिष्क को एकाग्र किया तो मुझे नदी के बहने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही मेरी सारी इंद्रियां सक्रिय हो गईं। उगते सूर्य से मैंने दिशा का अनुमान लगाया और नदी की आवाज की दिशा में बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे ब्रह्मपुत्र का विशाल चौड़ा पाट नजर आ गया। नदी के किनारे से मैं पूर्व दिशा की ओर चलने लगा। मुझे विश्वास था कि नदी के किनारे किनारे चलूंगा तो कोई न कोई मानव बस्ती का निशान मिल जाएगा। अभी मुश्किल से आधा किलोमीटर ही चला था कि किसी मंदिर का कंगूरा दिखाई दिया। मेरा आत्मविश्वास द्विगुणित हो गया। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। नदी में मुझे एक स्तंभ पर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा दिखाई दी। मैं इस स्थान को पहचान गया। ये गुवाहाटी का चक्रेश्वर मंदिर था। चक्रेश्वर मंदिर की पिछली सीढ़ियों से चढ़कर मैं सामने पहुंचा। ये स्थान कालीपुर कहा जाता है। मुख्य सड़क पर आते ही मैंने एक ऑटो रिक्शा को रोका और उसे पलटन बाजार चलने को कहा। पलटन बाजार के पास नेपाली मंदिर के पीछे मैं सान्याल बाबू के घर के सामने उतर गया। सुबह के 6 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। मैंने घंटी बजाई तो सान्याल बाबू ने दरवाजा खोला। मुझे अचानक देखकर उनके चेहरे पर खुशी की बिजली सी चमकी। फिर मेरी अस्त व्यस्त हालात देखकर मुझे भीतर एक कुर्सी पर बिठाया और पानी पिलाया। फिर बोले, तुम 2 मिनट रुको, चाय का पानी चढ़ाया हुआ है। पहले चाय लाता हूं, फिर तुम्हारी खबर लूंगा। उनका प्रेम भरा उलाहना सुन मेरी आंखों में नमी तैर गई। लो गर्मा गर्म चाय पियो। ये कहते हुए उन्होंने एक कप मेरे हाथ में थमा दिया। अब बताओ, पूरी रात भर कहां रहे और यह क्या हुलिया बना रखा है? मुझे चिंता में सारी रात नींद नहीं आई। मैंने उन्हें उनके बिछड़ने से लेकर यहां तक पहुंचने की पूरी घटना बताई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उन्होंने मेरे चेहरे को देखा तो ललाट पर एक लंबा टीका लगा था जो अब सूख कर काला पड़ गया था और मेरे गले में जवा कुसुम की माला थी जिसे कापालिक अवधूतानंद ने बलि देने के पूर्व मेरे गले में डाली थी। अब होश में आने के बाद पहली बार मेरी नजर उस माला पर पड़ी। मैंने जेब से रूमाल निकालकर टीका पोंछा और माला को गले से नाच कर नीचे फर्श पर फेंक दिया। लेकिन यह क्या, यह कैसा चमत्कार! फर्श पर माला गिरते ही वहां से गायब हो गई। आश्चर्य हुआ मुझे, आखिर माला गई कहां? हम दोनों इस कौतुक को देख स्तब्ध थे। दोस्तों, ये कहानी यहां समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दें जिससे हम आपके लिए और भी ज्यादा कहानियां लेके आ सके। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।